हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको देख रहे होंगे, ये आपको दृष्टि की क्विक बुक दिख रही है। ये मटेरियल मैंने मंगाया है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है जिसके बारे में आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ गंधव पवार जी का, जिन्होंने मेरी मदद की इसमें। कई बार उन्होंने वैसे मुझे बहुत हेल्प की है, इस मटेरियल के बारे में भी अच्छे से बताया है, और मुझे ये इतना अच्छा अवसर प्रदान किया उन्होंने इसके बारे में बताने का अपने चैनल पे। सो पहले भी उन्होंने मुझे ऐसे कई मौके दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एंड मैं इसके बारे में बता दूँ, तो जैसे आप सब देख रहे होंगे, ये दृष्टि की क्विक बुक है। तो ये क्विक बुक जो है दृष्टि पब्लिकेशन की, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे जो मेरी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो मैं आज बता दूं आपको इन सब के बारे में। जैसे मुझे भी आगे से रिकमेंडेशन मिली थी, मुझे भी अच्छे से समझाया गया इसके बारे में। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे जो भी पता चला उसके नॉलेज में बता दूं। तो जैसे आप सब देख सकते हो, काफ़ी सारा है। तो ये पूरा एक सेट ही मैंने मंगाई है, पूरी सीरीज़ मंगाई है क्विक बुक की। तो आइए देख लेते हैं। ये पहली बुकलेट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, जैसे आप सब देख सकते हो इसको। तो आइए देख लेते हैं इसको हम अच्छे से। तो इसके इंडेक्स को अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उसके उपागम, जैसे कि जहाँ से उसकी भूमिका है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हमें पता चल जाता है। विदेश नीति से संबंधित सारे मुद्दों के बारे में हमें इसमें अच्छे से दे रखा है। भारत पाकिस्तान संबंध, भारत और मालदीव्स के संबंध कैसे हैं, भारत से और चीन के संबंध कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। विदेश नीति कैसी है, रूस से हमारे संबंध कैसे हैं, और देशों के साथ कैसे संबंध है, प्रवासी भारतीयों का क्या रहा है रोल, इसमें अच्छे से बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हमें अच्छे से बता दिया गया है इसमें। तो एक तरह से ना, जो पूरा अगर हम UPSC या स्टेट PCS के लिए, दोनों के लिए, GS के लिए बहुत यूज़फुल है, और वन डे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। मटेरियल इतना सारा होता है, बस उसको कंसाइज करके, छोटा करके दृष्टि ने इसको मटेरियल को, इस मटेरियल को बनाया है। एक्चुअली ये इतना अच्छे तरीके से बनाया गया, अगर आप देखें ना, जैसे चीन की क्रांति आप इसमें देख सकते हैं, चीन और सोवियत संबंध है ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे गुट निरपेक्ष है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, रूस इंडिया चीन, ये सारी चीज़ों, जो ब्रिक्स, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बता दिया गया, आप भी देख लीजिए। एंड सेकंड बुक है, जैसे फर्स्ट काउंट भी कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट बुक है, कितनी बुक्स है इसमें, फर्स्ट ये रहा। सेकंड हमारा विश्व इतिहास है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका इंडेक्स देख लीजिए, इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, पुनः जागरण है ना, धर्म सुधार, वाणिज्यवाद है ना, ब्रिटिश लोकतंत्र, राजनीति। तो एक तरीके से इतने बड़े सिलेबस को, जैसे UPSC का होता है, स्टेट PCS वन डे एग्ज़ाम्स के, एक छोटे से कंसाइज वे में बता दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, आपदा प्रबंधन की बुक है ये, इसको आपको देख सकते हैं, जैसे इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं अच्छे से है ना। इससे इंडेक्स मैं दिखा देती हूँ आप सबको, जो भी देखना चाहते हैं। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी। ये तीसरी बुक है, ये चौथी बुक है, आप देख लीजिए। ये भारतीय समाज और सामाजिक न्याय की बुक है, इसका भी इंडेक्स आप देख लीजिए अच्छे से है ना, देख लीजिएगा वीडियो में आप लोग जूम करके थोड़ा। एंड ये चौथी बुक है, और ये पाँचवीं बुक है सामान्य विज्ञान, अच्छे से देखिए। सामान्य विज्ञान में भी आपको, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से आपको मिल जाएंगे विद्युत धारा है ना, चुंबकीय प्रवाह, आधुनिक भौतिक है ना, ध्वनि, एक तरह से ना इन, इसको पढ़ने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाती है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ना, जिस टॉपिक को कितना, किस टॉपिक को टाइम देना है, उस तरीके से लिखा गया है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, अगर जिनको भी, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए भी बेस्ट है, एंड जो स्टेट PCS के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो भी किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी GS में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ये भारत एंड विश्व का भी गोल है, आप देख लो। और ये बुक है पर्यावरण एंड परिस्थिति की, जैसे देख लीजिए, ये 2, 4, 7 बुक्स ही हो गई, ये 8 बुक है। और ये 9th बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अच्छे से देख लीजिए। और ये भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था गवर्नेंस की बुक, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तीनों को ऐड कर लिया गया है एक ही बुक में। सो ये ना कंसाइज वे में, मतलब एक बहुत बड़े सिलेबस को एक छोटे वे में कैसे प्रेजेंट किया गया है वो आप देख सकते हो, एक ईजी वे है पढ़ने का, इतना बड़ा सिलेबस एक छोटे वे में। एंड ये आर्ट एंड कल्चर, सो इसमें ना अगर आप
काउंट करोगे तो 12 बुक्स मुझे रिसीव हुई हैं जो बहुत ही अच्छी, और ये सारी बुक्स एक्चुअली दृष्टि पब्लिकेशन की होती है एंड ये सारी बुक्स ओरिजिनल होती हैं जो मैंने दिल्ली से मंगाई हैं राजेश बुक स्टोर से, और ये गंदर पवार जी ने ही मुझे रेकमेंड किया था उस बुक स्टोर के बारे में। मैंने पहले भी उनसे बुक्स मंगाई हैं एंड उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे गंदर जी से ही मिली थी, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की थी इनके बारे में बता के एंड अच्छे से मुझे समझाया था इस मटेरियल के बारे में। सो थैंक यू सो मच गंदर जी।